हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मैं आज एयरपोर्ट पे आया हूँ और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, अगर आप मोपुटू आने वाले हैं तो आपको एयरपोर्ट कैसा दिखता है, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, साथ ही साथ कोविड के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एयरपोर्ट से बाहर निकलने की प्रोसीजर के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आखिर तक बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप सब कुछ प्रोसीजर करने के बाद बाहर निकलेंगे तो इस तरीके का एयरपोर्ट दिखेगा। ये 3 नंबर का गेट है जहाँ से आप बाहर निकलोगे और यहाँ पे बाहर निकलने के बाद में आपको ये माहौल, ये इस तरीके का एयरपोर्ट देखने मिलेगा। एयरपोर्ट ऐसे ही सुनसान आपको मिलने वाला है और ये जो ए एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और जो बी है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप बी से बाहर आओगे और थोड़ा सा दूर यहाँ पे ये पार्किंग देख रहे हो, पार्किंग से देखोगे तो आपको इस तरीके का माहौल दिखने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, प्रीमाइसेस से बाहर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से एग्जिट है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लोजर। हाँ ये रहा एग्ज़िट। तो मैं बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, उस पर वीज़ा चाहिए, जो भी रीज़न से आप आ रहे हो उसका वीज़ा आपको लगेगा। जैसे कि आपके पास में टूरिस्ट वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो या फिर वर्क वीज़ा हो, जो भी वीज़ा आपके पास होगा वो ज़रूरी है। उसके बाद में येलो फीवर कार्ड पेपर जो होता है वो चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे घर पे जाके ही बात करनी चाहिए, मैं घर पे जाके आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ घर पे, तो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो आपको लगेगा वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा लगेगा। वीज़ा के साथ में अगर आपका वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसका जो आपको लेटर मिला होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे होंगे इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ में रखिएगा। और उसके साथ ही आपको लगेगा येलो फीवर कार्ड, और जो अभी कोरोना है तो उसके वजह से आपको PCR जो टेस्ट होता है वो करना है, रैपिड वाला नहीं चलेगा, जिसकी वैलिडिटी 72 आवर्स की होती है, जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो वाला आपको करना है। और अगर इन केस आपका फ्लाइट कनेक्टिंग है, कहीं से आप आ रहे हो, जैसे कि नॉर्मली बॉम्बे से मपुतू आप आ रहे हो, तो आपकी जो फ़्लाइट होगी या तो फिर कतार की होगी या फिर इथोपिया होगी, तो इथोपिया की केस में वो एडिदाबास मतलब चेंज करना होगा और कतार में आपको दोहा में चेंज करना होगा। तो इस केस में अगर बाई चांस आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है सेकेंड वाली और आपको 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाता है, तो इस केस में आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैंने अंदर जाके बात की है और उन्होंने बताया है कि इसमें कोई वो लोग ज़्यादा मतलब आपने बाहर नहीं निकलना है, एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर गए हो तो फिर से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट में ही रहोगे, कनेक्टिंग फ्लाइट जहाँ पर भी होगी वहाँ पर, और वहाँ से ही अगर आप आ जा रहे हो तो आपको कोई दूसरा टेस्ट करवाना नहीं पड़ेगा। कई बार मुझे कमेंट में पूछा गया है यहाँ के ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलता है या नहीं मिलता है, तो आज मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि नहीं मिलेगा। अगर आपको पास में वीज़ा नहीं है तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा। एक बात और, अगर आप विजिट वीज़ा लेके आ रहे हो तो आपके पास में रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है। तो आपको ये याद रखना है, वीज़ा यहाँ पे आके नहीं मिलने वाला है। आप जो भी कंट्री में हो वहाँ पे एम्बेसी है तो आपको एम्बेसी में उनके अप्लाई करना है और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपके पास में वीज़ा नहीं है तो आपको वो दोबारा भेज देंगे। आप
आपको जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको पहले इमिग्रेशन आएगा, वहाँ फॉर्म दिया जाएगा, आपको फिलअप करना है, इमिग्रेशन को सबमिट करेंगे, पासपोर्ट वगैरह, तो वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों आप आ रहे हो, कौन है, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी आपको मैंने बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बता देंगे तो वो वहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको आगे जाके बेल्ट पे से आपका सामान ले लेना है और वहाँ से बाहर निकलते वक्त आपको अल्फांदिका यानी कि टैक्स का होता है उसके मतलब वो पुलिस ऑफिसर वगैरह आपको मिलेंगे जो बोलेंगे आपको कुछ डिक्लेयर करना है, आपने कुछ ऐसा चीज़ लाया है। कई बार थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो जाती है, बोल देते हैं कि आपने क्यों कुछ तो है मशीन में दिखा रहा है कि ये है वो है। तो ज़्यादातर केसेस में हमारा सामान जो होता है वो घर का होता है तो हमें बोल देना है कि ये सब कुछ घर के लिए है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मैं बिज़नेस करने वाला हूँ या कुछ ऐसा वगैरह। और मे भी कुछ छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन होता भी है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, थोड़ा कम बात कीजिए, शांति रखिए, थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना है, कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं तो इस ऐसी केसेस में थोड़ा आप समझ सकते हो, YouTube पे बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकते लेकिन आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो अफ्रीका में क्या या कोई भी कंट्री में आपको पता ही है कि होता ही है, तो ये चीज़ों से थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए, ना कि डर जाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों मैंने पूछ लिया है, यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन कतार में है, कतार से बाहर आप निकलते हो तो आपको वहाँ पे 14 डेज़ का या 7 डेज़ का क्वारंटाइन है, लेकिन मोजाम्बिक में आपको क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ता है, सिर्फ आपको ओरली बोल देंगे 7 डेज़ का, 3 डेज़ का आप क्वारंटाइन हो जाइएगा घर पर। लेकिन कोई भी तरीके का आपके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है कि आपको क्वारंटाइन होना ही है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको बताने की अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और किन चीज़ों का आपको मतलब फिक्र नहीं करना चाहिए और किस तरीके का एयरपोर्ट यहाँ पे बाहर निकलने के बाद आपको दिखेगा, ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए और पहली बार अगर इस चैनल को विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।